वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट के बारे में। वीट का इंसेक्ट पेस्ट कौन सा होता है, कैसे कंट्रोल होते हैं, लाइफ साइकिल होती है, क्या क्या ये डैमेज कोज करता है, या हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोज में हम शुगर इनके पेस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उस प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि वीट के इंसेक्ट पेस्ट कौन से होंगे। यहाँ पे तो वीट के जो इंसेक्ट पेस्ट है, वीट यानी कि ट्रिटिकम वल्गरे, इसके इंसेक्ट पेस्ट के अंदर वीट स्टैम बोरर होता है, सिसेमिया इन्फेरेंस, इसके अलावा गुजिया वेविल होता है, यहाँ पे डेनिवर्सस इंडिसस, एंटरमाइट्स होते हैं, माइक्रोट्रिम्स ऑब्वियसली। तो ये जो है ये मेन यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वीट के, जिनमें से ये हम डिस्कस करेंगे वीट स्टैम बोरर के बारे में आज की वीडियो के अंदर। तो वीट स्टैम बोरर यानी कि सिसामिया इन्फेरेंस के बारे में अगर हम इसकी सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, तो सिस्टमेटिक पोजिशन में इसका क्लास इंसेक्टा होगा। इससे पहले फाइलम और जो किंगडम है यानी किंगडम एनिमिलिया होगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा, क्लास इसकी इंसेक्टा और इसका लेपिडोप्टेरा होगा, एंड फैमिली इसकी नॉक्टुडेई होगी। तो ये है यहाँ पे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन, ऐसे टाइप की ये मौत जो है ये नजर आती है वीट स्टैम बोरर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा नेक्स्ट, इट इज कॉमनली फाउंड इन ऑल वीट ग्रोइंग एरियाज, जितने भी वीट ग्रोइंग एरियाज हैं उन सब के अंदर कॉमनली पाया जाता है इन इंडिया एंड आल्सो चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड जापान के अंदर भी देखा जाता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद इसके फूड प्लांट्स क्या होंगे, मेनली ये प्राइमरली वीट के ऊपर अटैक करता है, इसके अलावा मेज, ज्वार, बार्ले, पैडी एंड शुगर केन के ऊपर भी ये फीड करता है। ये इसके फूड प्लांट्स है। नेक्स्ट इसकी जनरल अपीयरेंस, इस टाइप की मौत जो है ये नजर आती है, तो जनरल अपीयरेंस की अगर हम बात करें, द अडल्ट मौत इज फॉन कलर्ड एंड हैज डार्क ब्राउन स्ट्रिक्स, इसके पास यहाँ पे ऐसे डार्क ब्राउन स्ट्रिक्स नजर आती है, ठीक है, डार्क ब्राउन स्ट्रिक्स ऐसे नजर आती है एंड ये फॉन कलर की होती है, जैसे कि कोई ब्राउन कलर हो गया उसके अंदर पैचेस हो गए, ऐसा टाइप का इसका कलर होता है। The four wings have grayish black. अब इसके जो फोर विंग है वो grayish black lines उनके अंदर होती है and lines going to the tip of the wing from the central point. Central point से निकलकर ऐसे क्या करती है, टिप तक ऐसे lines जाती है grayish black color की। The hind wings are white in color. Hind wing कैसे होते हैं, white in color यहाँ पे होते हैं। And it has 15 to 20 mm in length and wingspan is 35 mm. इस इंसेक्ट का जो wingspan है यानी कि ये यहाँ तक की जो इसकी width है वो होती है 35 mm की। ये जो विंग स्पैन होता है ये इन मौत होती है, यानी इंसेक्ट्स के अंदर एक वाइट विच मौत होती है उसका सबसे ज्यादा बड़ा विंग स्पैन पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर। तो ये जनरल अपीयरेंस होगी कि ये फोन कलर्ड होती है, डार्क ब्राउन स्ट्रिक्स इसके अंदर पाई जाती है, इसके अलावा फोर विंग्स ग्रेइंग, फोर विंग के अंदर यहाँ पे ग्रेइश ब्लैक लाइंस पाई जाती है, हाइंड विंग्स व्हाइट कलर के होते हैं एंड इसका विंग स्पैन 35 mm का होता है। इसके बाद इसकी हैबिट्स क्या होंगी, इट इज नॉक्टर्नल इंसेक्ट, यानी कि ये नाइट के टाइम पे ही एक्टिव होगा एंड लिव्स फॉर 10 to 15 days, 10 से 15 दिन तक ये जीवित रहता है। द एग्स आर लेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द लीफ शीथ, लीफ शीथ के इनर सरफेस पे एग ले किए जाते हैं। द कैटरपिलर प्रेफर मॉइस्ट वेदर टू इन्फेस्ट न्यू शूट, अब कैटरपिलर को अगर एक दूसरी एक नई स्टैम को इन्फेक्ट, एक नई सूट को इन्फेक्ट करना है, एक नए वीट प्लांट को इन्फेक्ट करना है तो वो प्रेफर करता है मॉइस्ट वेदर को। इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल के अंदर ये 30 to 45 days के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो इसकी लाइफ साइकिल में सबसे फर्स्ट स्टेज आती है एग्स, ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेज आती है एग्स। एग्स जो है बीड लाइक होते हैं, लेड इन रोज, ऐसे रोज के अंदर लाइंस के अंदर ले किए जाते हैं 30 to 100 एग्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ शीथ, लीफ शीथ के सरफेस के अंदर ये 100 to
30 to 100 एग्स तक ये क्लस्टर के अंदर पाए जाएंगे एंड ये लाइंस के अंदर होंगे, रोज के अंदर ले किए जाएंगे। टोटल एग्स लेड आर 200 to 300। एक फीमेल जो है वो 200 to 300 टोटल एग ले करती है। सेकेंड स्टेज आएगी एग्स के बाद कैटरपिलर। कैटरपिलर जो होता है इंक्यूबेशन होता है 5 to 7 days का। द यंग कैटरपिलर हैविंग ऑरेंज रेड हेड, ठीक है, ऑरेंज रेड हेड होता है, पर्पलिश पिंक बॉडी इसकी होती है, अंडर डोर्सल साइड एंड व्हाइट ऑन वेंट्रल साइड ये इमर्ज आउट होके आता है उन एग से, ठीक है। एग से 5 to 7 days के अंदर यंग कैटरपिलर निकल के आएगा बाहर और इसका डोर्सल साइड पे ये पिंक बॉडी इसकी होती है एंड व्हाइट इसकी, जैसे यहाँ पे डोर्सल साइड नजर आ रही है तो ये थोड़ी सी पिंकिश कलर की होती है एंड इसका वेंट्रल साइड इसके जस्ट अपोजिट ये कैसी होगी, इसके जस्ट अपोजिट ये व्हाइट कलर की होती है। The caterpillar is about 10 mm in length. ये जो caterpillar है ये about 10 mm in length में होता है। It bursts into stem and grow fully in 4 to 5 weeks, but in cooler regions it may take 6 to 7 months. अब क्या होता है? Normal area के अंदर, normal weather के अंदर ये क्या करता है? Fully grown हो जाता है 4 to 5 weeks के अंदर। लेकिन अगर रीजन कोल्डर रीजन है उसके अंदर ही 6 to 7 months ले लेता है इस ये ग्रो होने में। तो ये सेकंड स्टेज हो गई कैटरपिलर एग का, 5 to 7 days के अंदर अब ये बन गया है कैटरपिलर। कैटरपिलर के बाद नेक्स्ट जो कैटरपिलर है अब ये फुल्ली ग्रो करेगा, 35 mm इन लेंथ हो जाएगा, 10 से ही 35 mm इन लेंथ हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो इसके नेक्स्ट आएगी और फिर ये क्या करेगा, ग्रो होने के बाद, फुल्ली ग्रो होने के बाद एक शूट से दूसरे शूट के ऊपर जाना जाएगा और फिर दूसरी शूट को भी इन्फेस्ट कर देगा। एग्स के बाद कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है प्यूपा। कैटरपिलर फिर आती है प्यूपा। प्यूपा जो स्टेज होती है ये ऐसे यहाँ पे प्यूपा स्टेज होती है। तो कैटरपिलर प्यूपेट करता है रफ कोकोन्स के अंदर, कोकोन होते हैं इन द शूट और अंडर ड्राई लीफ शीट, या तो ड्राई लीफ शीट होगी वहां पे या फिर शूट के अंदर ही क्या करेगा, कोकोन के अंदर, ये रफ कोकोन्स के अंदर प्यूपेट करेगा कैटरपिलर। इसके बाद ये डार्क कलर, डार्क ब्राउन कलर का होता है एंड पर्पल इसका हेड होता है। ये डार्क ब्राउन कलर का एंड पर्पल इसका हेड होता है एंड ये 20 mm इन लेंथ का होता है। द प्यूपेशन पीरियड लास्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज टू द मोर देन 14 days, ठीक है। अब एक ये क्या होता है, कपल ऑफ डेज से लेके मोर देन 14 days तक का इसका प्यूपेशन पीरियड होता है। प्यूपेशन के बाद ये अडल्ट बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आएगी इसकी अडल्ट की, अडल्ट मोथ ही बन जाएगा। तो आफ्टर प्यूपेशन ऑफ 6 to 10 days यंग अडल्ट इमर्ज आउट फ्रॉम द स्टेम थ्रू, ठीक है। अब स्टेम से इमर्ज आउट होके आएगा बाहर या फिर लीफ शीट जहां पे ये प्यूपेट कर रहा था, तो ये अडल्ट बन जाएगा, वहां से इमर्ज होके आएगा ये। दे हैव मेड बाय लार्वा बिफोर प्यूपेशन। इसके अलावा ये क्या करते हैं, प्यूपेशन से पहले ये लार्वा बनाते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल के अंदर एग से यहाँ पे कैटरपिलर बना, फिर प्यूपा बना, फिर इससे अडल्ट बना और अडल्ट फिर से इसके एग ले करेंगे। तो ऐसे ही इसके अंदर लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसके बाद ये कुछ डैमेज कोज करता है। डैमेज के अंदर मोस्ट कॉमनली डैमेज जो है कैटरपिलर यहाँ पे कोज करता है। कैटरपिलर जो है ये यंग स्टैम्स ऑफ वीट के ऊपर अटैक करता है, जो यंग स्टैम होगी उनके ऊपर अटैक करता है एंड सेंट्रल शूट इज डैमेज कम्प्लीटली एंड द डेड हार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। सेंट्रल स्टैम को ये कम्प्लीटली उसके अंदर बोर कर करके उसको खोखला कर देगा और डेड हार्ट्स प्रोड्यूस कर देगा। सो यील्ड इज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। तो यील्ड जो है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी इसके अकॉर्डिंग ही रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इससे कुछ कंट्रोल मेजर्स आते हैं। तो ये किया जा सकता है कि जो शूट्स जिनके ऊपर अटैक हो चुका है उनको रिमूव एंड बर्न डाउन कर देना चाहिए, उनको जला देना चाहिए रिमूव करके। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स करनी चाहिए ताकि उसको फिर से उसकी जो कंटिन्यूटी है लाइफ की वो उसको ना मिले और वो खत्म हो जाए, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो। द ग्रास वीड्स शुड बी रिमूव्ड एंड बर्न। और जो ग्रास वीड्स है उनको भी क्या कर देना चाहिए, उनको भी रिमूव कर देना चाहिए, बर्न कर देना चाहिए।
इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड जैसे कि 35% एंडोसल्फान शुड बी स्प्रेड एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर हेक्टेयर। एक हेक्टर के अंदर 1 लीटर जो है 35% एंडोसल्फान का यहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा 5% BHA और DDT एट द रेट ऑफ 7 to 8 किलोग्राम पर एकर शुड बी अप्लाइड एज डस्ट। तो इसका BHA को या फिर DDT को क्या कर सकते हैं, डस्ट कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल मेजर्स हैं जिनके थ्रू इनको क्या किया जा सकता है, इनको इन फसलों को बचाया जा सकता है या फिर इस इंसेक्ट को या फिर हम बोल सकते हैं इस पेस्ट को रोका जा सकता है। तो यहाँ तक हमने वीट स्टैम बोरर के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम डिस्कस करेंगे कुछ और पेस्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।